हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही सुंदर सा एक पॉट पेंटिंग। तो ये पॉट मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, तो आज इसे पहले हल्का सा गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद इसे वाइट कलर से मैंने कोट कर लिया है, एक कोट डाल दिया है। कोट डालने के बाद अब हम इस पर एक लेयर पीच कलर डालेंगे और पीच कलर डालेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से मैंने पीच कलर लगाया है। और जैसे ही पीच कलर लग जाता है फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर चूज करी हूँ जो कि पिंक कलर है, और कुछ इस तरीके से मैंने लेयर्स बनाए हैं, मीन्स वेव्स टाइप से मैंने इस पर पेंटिंग किया है। तो मैंने रैंडम सा जो भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है ना वो मैं उठा ले रही हूँ और वही कलर कर रही हूँ। तो पीच कलर होने के बाद पिंक लेने के बाद अब मैंने स्काई ब्लू लिया है, मतलब अभी ना मुझे कुछ इस टाइप के कलर अच्छे लग रहे तो मैं ये कलर चूज की। और ये स्काई ब्लू होने के बाद मैंने थोड़ा और डार्क कलर के ऊपर जा रही हूँ जो कि है पर्पल, तो मैंने पर्पल कलर लिया। और पर्पल से इसको एक लेयर देने के बाद फिर मैं एक रॉयल कलर से इसके पूरे जो भी मतलब पार्ट्स बच गए ना उसको पूरे को ब्लू कलर से कलर कर दिया है। और अच्छे तरीके से कलर करने के बाद ऊपर जो स्पेस है ना इसके कॉर्नर को मैंने येलो कलर से कुछ इस तरीके से आउटलाइन किया है। तो आउटलाइन करने के बाद अब मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से उस पर छोटे छोटे लीफ जैसे डिजाइन बनाया है कुछ इस तरीके से। मैंने बहुत ही सिंपल सा लिया है, मुझे इसे टफ नहीं रखना था, मतलब सुंदर सा अट्रैक्टिव सा और सिंपल मुझे बनाना था, तो इसलिए मैंने इस टाइप के डिज़ाइन चूज किए। और फिर ये डॉट 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 डालने के बाद थोड़ी सी वार्ली पेंटिंग करी और एक लेयर में मैंने कुछ इस तरीके से रैंडम झुमका बनाया है। और झुमका बनाने के बाद फिर मैं मतलब मुझे जो भी समझ में आ रहा है, मतलब इजी मुझे बनाने का मन हो रहा था तो मुझे जो भी समझ में आया मैंने वही ड्रॉ किया। और सारे में झुमका बनाने के बाद सेकंड लेयर में भी मैं कुछ इसी तरीके से एक सिंपल सा लीफ बना रही हूँ रेड कलर से, और इसे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है और ये है फाइनल लुक। तो आज होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा पेंटिंग होने के बाद इसे वार्निश करना ना भूले, तो अब वार्निश करने की बारी है जिससे हमारा जो आर्ट है ना इसे हम प्रोटेक्ट कर सके, ये येलोइस नहीं होता है इसके कारण, और हमारे जो आर्ट है ना वो बहुत ही ग्लो करता है, तो एक पॉलिश हो जाता है इसके ऊपर। तो ये है हमारा फाइनल लुक। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।